यस, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इज द टोटल मीन्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में ड्रॉ किया हुआ वेक्टर जो होता है, वेक्टर, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो दैट इज वन डिफरेंस। और क्या डिफरेंस बताया था कि द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, राइट। मतलब डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है या तो इक्वल होता है। इक्वल कब होता है? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस। बट वेन एवर द पार्टिकल टर्स टेक्स अ टर्न, देर एंड देन ओनली देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट हैपन्स टू बी स्मॉलर। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होता है डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है ना, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड ऐसा नहीं बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमको उसके बारे में ये बोलना पड़ता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ, क्या समझते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, हाउ दे आर डिफरेंट? डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर, ओके, बट द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। चलो ठीक है। तो अभी देखो, मान लो कि एक पर्सन यहां से स्टार्ट करता है, ओके, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, यहां से वो स्टार्ट करता है और 250 किलोमीटर दूर यहाँ पे चला जाता है। ये देखो, 250 किलोमीटर दूर वो चलते गया, ठीक है, और उसके बाद फिर वापस रिटर्न करता है और 50 किलोमीटर वापस पीछे आ जाता है। देखो ठीक से, एग्जांपल समझो इसको ठीक से, क्या बताया जा रहा है। द पर्सन स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ओ, सपोज ये पॉइंट ओ है इधर, ठीक है, ओ से उसने स्टार्ट किया और ये सीधा जाके ए पे पहुंच गया जो कि ओ से 250 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और उसके बाद फिर वापस आया, रिटर्न करता है, मतलब 180 डिग्री से घूम गया, और 180 डिग्री से घूमने के बाद ये 50 किलोमीटर दूर जहाँ पे उसका एक दूसरा एक कोई शॉप है सपोज, तो वहां पे जाके पहुंच गया, बी पॉइंट उसको हम बोल सकते हैं। अभी मुझे बताओ कि ये पार्टिकल जब ए से बी तक पहुंच गया, ओ से बी तक पहुंच गया, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड, कौन बताएगा? डिस्प्लेसमेंट इन ओ बी मीन्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ओ टू बी, हाउ मच इट इज, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन ओ टू बी। जब वो ओ से बी तक जाता है तब उसका डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अभी इसमें क्या होता है ना कि डिस्प्लेसमेंट जब हमको काउंट करना है, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट रिकॉर्ड द इनिशियल पोजीशन। इनिशियली कहाँ पे था वो? ए पे था, बराबर, ठीक है, ये ओ पे था, ठीक है, और फाइनल कहाँ पे आ गया? बी पे आ गया। तो अभी मुझे बताओ, यहाँ से ओ से बी तक स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है? देखो ये जो ओ बी है ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, वो कितना होगा एक्चुअली? उसके लिए, वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है? हमको ये 250 में से ये 50 जो है वो माइनस करना पड़ेगा। सो दिस 250 माइनस 50 विल गिव अस 200, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट हियर इज गोइंग टू बी 200 किलोमीटर ओनली, ओके, 200 किलोमीटर, राइट। बट डिस्टेंस कवर्ड हियर, तो डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए पहले तो उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ए पे जाना पड़ेगा, तो वो जो 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया वो तो किया ही ना,
नो डाउट। और उसके बाद रिटर्न आने के बाद जो 50 किलोमीटर किया वो एक्स्ट्रा हो गया, तो इसलिए ये 250 और ये 50 दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमको उसका डिस्टेंस कवर्ड मिलेगा। तो इसलिए डिस्टेंस कवर्ड विल एक्चुअली बी इक्वल टू 300 किलोमीटर, रिमेम्बर, समझा ठीक से? तो डिस्टेंस कवर्ड इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 300 किलोमीटर, करेक्ट है? ठीक है, अच्छा। और एक थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता हूँ अभी। देखो ठीक से, मान लो कि एक पर्सन स्टार्ट करता है पॉइंट ए से। ए मतलब सपोज उसका घर है, ठीक है। फिर यहां से जाता है इस तरफ, मान लो कि 70 किलोमीटर इस तरफ जाता है वो, या चलो 70 मीटर, ठीक है, गया। उसके बाद फिर यहां से ऊपर तरफ मुड़ता है, इस तरफ जाता है, ये हो गया सपोज। फोर्टी किलोमीटर इस तरफ गया, और इसके बाद मान लो कि इस तरफ वापिस आता है। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ऐसा करेंगे, यहाँ डॉलर 60 किलोमीटर आगे बढ़ता है, 60 किलोमीटर, सॉरी 60 मीटर आगे जाता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ता है और इस तरफ वापिस जो आता है 30 किलोमीटर वापिस आ जाता है। आई कुएते यस अथर्व, एनी प्रॉब्लम? यस, ओके। सो सपोज दैट द पर्सन कम्स बैक इन द रिवर्स डायरेक्शन बाय द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, ओके। तो देखो ठीक से, 30 मीटर वो इस तरफ वापिस रिटर्न करता है, ठीक है, और ये पॉइंट पे पहुंच जाता है। ये पॉइंट समझो ए है, ये पॉइंट बी है, और ये सी है, और ये मान लो डी है, ओके। और सपोज कि अभी यहाँ पे वो पहुंच गया। अभी मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्टेंस कितना हुआ, टेल मी फास्ट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट इज 50, करेक्ट, वेरी गुड। देखो कैसे, क्योंकि सीधी बात ये, देखो ऐसा है कि यहाँ पे जैसे ही वो स्टार्ट करता है तो उसके बाद 60 मीटर आगे बढ़ता है, राइट? ये देखो, ये डिस्टेंस जो पूरा है ये 60 मीटर है, ठीक है, और ऊपर तरफ गया 40 मीटर, और इस तरफ वापस आया 30 मीटर। तो अभी ये सारे डिस्टेंसेस तो ऐड ही होंगे ना, डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ऐड ही करने पड़ेंगे। देखो ये 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, ये पूरा अगर हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? तो देखो यहाँ पे आएगा 60 प्लस 40 प्लस 30, विच कम्स आउट टू बी सिंपली 130 मीटर। यहां तक समझा ठीक से? ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड, ओके। अभी अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए देखो सीधा कंसिडर करो इनिशियल पॉइंट। ये देखो, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। अभी इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है ये हमको ढूंढना है, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा टेक्निक यूज करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर ये वाला 30 मीटर है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस अगर 30 मीटर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी तो 30 मीटर होगा जरूर। तो इसलिए अगर ये 30 मीटर डिस्टेंस हम काट लेंगे इस 60 में से, ठीक है, तो 60 में से 30 गया तो कितना बचता है? ये देखो, ये 30 मीटर हमने इसमें से कट कर दिया, तो ये बचेगा कितना? तो ये डिस्टेंस रहेगा 30 मीटर, राइट है? चलो ठीक है।
और अभी अगर ये 40 मीटर है, ये देखो ये अगर 40 मीटर है वर्टिकल वाला, तो ये भी तो 40 मीटर ही होगा क्योंकि इट्स अ रेक्टेंगल। ये वाला जो पूरा है ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल होने के कारण उसके जो ऑपोजिट साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड बिल्कुल सेम होगा, और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी 40 मीटर, एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 40 मीटर। ओके, एंड वंस वी गेट दिस 40 एंड 30, वी कैन इजिली फाइंड आउट दिस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज वी नो दैट दिस हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो अगर इसको हमने डी मान लिया, तो डी का स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर विल एक्चुअली बी इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, विच हैपन्स टू बी डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 900 प्लस 1600 विच हैपन्स टू बी सिंपली 2500, राइट? एंड 2500 का स्क्वायर रूट कितना बनता है, तो वो बनता है 50 मीटर, एंड दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू 50 मीटर। देखो ठीक से, दोनों हमने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया और डिस्टेंस भी निकाल लिया। समझा कि इसमें कुछ डाउट है, किसको पूछना है कुछ? अगर कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट। Yes, anybody? No doubt? Okay, चलो ठीक है। अभी और एक तुमको क्वेश्चन देता हूं, अभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा ये, याद रखो ठीक से। सपोज वी हैव थ्री डायमेंशनल स्पेस, consisting of x-axis, y-axis and z-axis, okay, and a particle suppose start from this point here, एक particle जो है वो यहां से start करता है, O से start करता है, okay, फिर वो जाता है पहले इस तरफ, पहले सामने तरफ आता है, x-axis के direction में वो जाता है पहले, ये देखो ये x-axis है, ये suppose y-axis है और ये समझो z-axis है, ठीक है, तो सबसे पहले वो गया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और चला 6 किलोमीटर, ओके, मतलब 6 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना बन गया, देखो यहां से लेके यहां तक जो उसने ट्रेवल किया, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 मीटर, ओके, उसके बाद वो जाता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, यहां से वाई एक्सिस को पैरेलल दौड़ता है कितना, 3 मीटर, ओके, 3 मीटर वो दौड़ता है, और यहां से ऊपर जाता है, अभी ऊपर देखो ठीक से, ये ऊपर जा रहा है कितना, सपोज 2 मीटर, ओके, 2 मीटर ऊपर गया। अभी जहां पे भी वो पहुंचेगा तो उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना ढूंढ के निकालो फटाफट, कौन बताएगा? क्वेश्चन तो समझ में आया सबको ठीक से, ये एक्सप्लेन करो वापिस एक बार। डायग्राम में दिख रहा है तुमको ठीक से प्रॉपर क्या हो रहा है वहां पे? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ओ हियर, ओ से स्टार्ट करता है ये पार्टिकल, डिस्टेंस इज 11 मीटर, वेरी गुड वेरी गुड। देखो आई विल रिपीट द क्वेश्चन अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ओ, ओके, ओ से वो स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद वो जाता है सीधा पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और यहाँ पे पहुंचता है, इस पॉइंट को भी हम कुछ नाम देते हैं, चलो सपोज ए बोल देते हैं, चलेगा ए, ओके, उसके बाद वो मुड़ता है 90 डिग्री से और इस तरफ बढ़ता है वाई एक्सिस को पैरेलल और यहाँ पे पहुंचता है, इस पॉइंट को हम बोल देंगे सपोज बी, चलेगा ठीक है, और उसके बाद वो ऊपर तरफ अभी मुड़ता है और ऊपर तरफ जाके ये सीधा जाके ऊपर तरफ पहुंच जाता है, ये पॉइंट सी पे पहुंच जाता है, ये देखो ये पॉइंट सी है यहाँ पे, तो अभी जब वो फाइनली यहाँ पे सी पॉइंट पे पहुंच गया, तो हमको निकालना अभी ये है कि इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखो क्यों, क्योंकि सीधा बोल सकते हैं कि ये 6 मीटर, ये 3 मीटर और ये 2 मीटर, तीनों हमको ऐड ही करने हैं और क्या करना है,
तो इसलिए ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 + 6 + 2 विल बिकम 11 मीटर। ठीक है, तो 11 मीटर ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, बट हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट हियर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अभी सिर्फ वो देखो ठीक से, ये पार्टिकल जो है वो सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है ऊपर। तो जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ऐसे केस में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढ के निकालेंगे, उसके लिए एक स्पेशल हम यूज करेंगे एक बात। देखो ठीक से, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालने का, तो उसके लिए ये देखो, अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वाई एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट दिख रहा है ना बी, इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर इधर। ओके, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल हो गया कि नहीं, चेक करो। यहाँ पे जो नीचे फ्लैट एक्स वाई प्लेन में जो रेक्टेंगल बन रहा है, एक्स वाई प्लेन में वो रेक्टेंगल बनता है, तो उस रेक्टेंगल के अंदर अगर सामने वाला साइड उसका एक साइड 6 है और दूसरा साइड 3 है, तो बाकी दो साइड्स भी तो वैसे ही होंगे। ये देखो, ये भी 6 होगा जरूर और ये वाला 3 होगा। ठीक है, अभी ये जो है इसका डायगोनल लिख सकते हो, ये डायगोनल देखो, ये वाला डायगोनल कितना होगा, तो वो निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, मतलब डी अगर उसको बोल देते हैं, ये डी है सपोज, तो डी का स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, बराबर है, जिसको हम लिख सकेंगे आराम से, दिस इज 36 + 9 विच हैपेंस टू बी एक्चुअली इक्वल टू, 36 + 9 कितना होता है, 45, करेक्ट है, 45 मीटर। बट दिस इज द डी स्क्वायर ना, तो डी स्क्वायर इज एक्चुअली गोइंग टू बी 45, सो डी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, √45। ओके, बट नाउ इफ यू सी केयरफुली, देन दिस डी इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दिस हियर, दिख रहा है ठीक से, बिकॉज ये जो है ये ऊपर है, ऊपर ये 2 मीटर जो डिस्टेंस जो है वो उसने ऊपर ट्रेवल किया है। अभी जब वो ऊपर जाएगा इस डिस्टेंस पे यहाँ पे, तो उसमें ये यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना जेड एक्सिस के ऊपर, तो वो जाके यहाँ पे मिलेगा, देखो ऐसे ये बन गया परपेंडिकुलर, जो हमने यहाँ से उठा के जेड एक्सिस पे डाल दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया। अभी ये जो है ये वाला दिख रहा है, ये अंदर वाला, ये भी तो एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, खड़ा रेक्टेंगल ऐसा दिख रहा है। अभी उस रेक्टेंगल का डायगोनल जो है, तो वो डायगोनल हमको निकालना है एक्चुअली, एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायगोनल हमको निकालना है, हाउ विल यू गेट दैट डायगोनल, इफ यू एज्यूम इट एज, क्या एज्यूम करने का उसको बताओ, ये डायगोनल को क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे चलो कैपिटल डी, चलेगा कैपिटल डी। तो अभी कैपिटल डी जो है वो इसमें, ये कौन से ऐसे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है जिसका बेस डी है और उसका हाइट 2 मीटर है, तो इसलिए फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से, डी स्क्वायर विल एक्चुअली बी इक्वल टू स्मॉल डी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जिससे हमको मिलता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल डी स्क्वायर, मतलब ही ये देखो 45 हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, तो ये 45 + ये 2 का स्क्वायर, मतलब ही 4, जो बनता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 + 4, मतलब कितना हुआ, 49 हो गया, और इसलिए डी का वैल्यू एक्चुअली कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है, 7 मीटर, चेक करो। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 11 मीटर, जबकि सॉरी डिस्टेंस कवर कितना है, 11 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 7 मीटर। इसको हम थोड़ा और अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, पता है कौन से, वी कैन सॉल्व दिस बाय वेक्टर मेथड। सी हियर, अगर वेक्टर मेथड से अगर उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं, तो देखो ये सपोज हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ की है सपोज, तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया था कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस ओरिजिन ओ एंड इट रन्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस 6 मीटर हियर, तो इस तरफ वो 6 मीटर जाता है, चलो ठीक है, ये 6 मीटर यहाँ पे चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वाई एक्सिस को पैरेलल डायरेक्शन में 3 मीटर जाता है, ऐसे बताया था कि नहीं, और उसके बाद जेड एक्सिस को पैरेलल डायरेक्शन में 2 मीटर ऊपर आगे बढ़ता है। ठीक है, देखो ये इस तरफ जा रहा है 3 मीटर और उसके बाद यहाँ पे जा रहा है 2 मीटर
ऊपर। तो अभी देखो यहाँ पे, अगर ऐसा हो रहा है, सॉरी देखो, तो ये 3 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये 2 मीटर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बता सकते हो? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट पी हियर? टेल मी फास्ट। देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है उसका? 6, तो यहाँ पे आ गया 6। वाई कोऑर्डिनेट कितना है उसका? ये देखो, यहां से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वाई एक्सिस पे, तो वो सीधा उसको जाके मिलेगा, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर ही रहेगा, जो कि 3 है यहाँ पे। तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट बन गया 3। और जेड कोऑर्डिनेट क्या बनेगा उसका? यहाँ से अगर परपेंड ड्रॉप करो इधर वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, तो वो सीधा ये जो डिस्टेंस 2 है, वही डिस्टेंस यहाँ पे भी हमको मिलेगा इस तरफ। तो इसलिए वो 2 ही बनेगा, तो इसलिए वो जेड कोऑर्डिनेट बन गया 2। तो इसका मतलब हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, नो डाउट। वंस वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट इट्स पोजिशन वेक्टर हियर। ये देखो, ये वेक्टर हम निकाल सकते हैं, इसको पी बार अगर बोल दिया, तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर पी बार इन टर्म्स ऑफ आई बार, जे बार एंड के बार? सो वी कैन से दैट पी बार इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 I bar प्लस 3 J bar प्लस 2 K bar। वंस वी गेट दिस वेक्टर, तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्चुअली देखो ठीक से, इसी वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मॉड ऑफ पी बार। वी ऑलरेडी हैव सीन द हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर बाय जस्ट टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई बार, जे बार एंड के बार रिस्पेक्टिवली। सो इफ यू जस्ट रिप्लेस इट हियर, देन वी गेट दिस एज अ 6 का स्क्वायर प्लस हियर इट इज 3 का स्क्वायर एंड लास्ट इज 2 का स्क्वायर, जिससे हमको मिल रहा है रूट ऑफ 6 का स्क्वायर कितना है? 36 प्लस 3 का स्क्वायर है 9 और ये है 4। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 45 प्लस 4, वंस अगेन इट इज 49 एंड रूट ऑफ 49 हैपेंस टू बी 7 एज बिफोर। तो यही हमको पहले भी मिला था, अभी भी वही मिला था। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके नाउ वील जस्ट, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आराम से, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर, दैट इज अबाउट वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑलरेडी कि वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था हमारा? पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट और एंड डिस्टेंस, इन दोनों के बारे में भी हमने देखा, ठीक है। अभी उसके बाद हमको ये देखना है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एंड ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर द स्पीड ऑल्सो, स्पीड क्या होता है ये भी हमको कंसिडर करना है। लेट अस डू दैट। सो सी, अभी होता क्या है ना कि वेलोसिटी मतलब क्या और स्पीड मतलब क्या और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और एग्जैक्टली व्हाई वी नीड दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, टू कॉन्सेप्ट्स एट अ टाइम। तो देखो होता क्या है, देखो अगर सपोज कोई एक पार्टिकल है, अगर मान लो वो यहां से स्टार्ट करता है और ऐसे पाथ से गुजर के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो हमको ऑलरेडी पता है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमको पता है ऑलरेडी। तो इसका जो पाथ लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और स्ट्रेट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या उसको हम बोल सकते हैं द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट।
ओके एंड दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस कवर्ड. ओके नाउ सी इफ वी डिवाइड दिस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम देन वी कैन गेट वेलोसिटी. रिमेंबर व्हाट इज वेलोसिटी. Velocity is defined as the displacement upon time. But on the other hand, if we just divide this distance covered by time, then we are going to get that speed. समझ में आया फर्क दोनों के बीच में क्या है? देखो ठीक से. What is the basic difference between the distance cover, speed and velocity? The same difference whichever between displacement and distance covered is there between the velocity and speed actually. तो क्या क्या difference points है note करो फटाफट यहाँ पे velocity और speed के बीच में. देखो सबसे पहला जो difference point है वो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि the velocity is going to be a vector quantity, correct है, whereas the speed is going to be a scalar one, no doubt. और क्या दोनों के बीच में difference है बताओ? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्पीड. वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हैज टू ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू द स्पीड एंड ऑब्वियसली द स्पीड हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी. तो ये एक बात हमको समझनी है अच्छी तरह से. ओके और क्या डिफरेंस है इनके बीच में बताओ? वेलोसिटी कैन बी जीरो. देखो ठीक से, जीरो हो सकता है बट स्पीड कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. रिमेंबर व्हाई? बिकॉज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है बट वेलोसिटी हो सकता है. एवरेज स्पीड अगर हम निकालते हैं तो कोई भी पार्टिकल जो रेस्ट में नहीं है, ऑब्वियसली अभी रेस्ट जो पार्टिकल खुद ऑलरेडी रेस्ट में है तो उसके बारे में तो हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि उसका वेलोसिटी भी जीरो होगा और स्पीड भी जीरो होगा, बिल्कुल. लेकिन जो पार्टिकल रेस्ट में नहीं है उसका एवरेज स्पीड अगर हम निकालते हैं तो वो कभी भी जीरो नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है. और लेकिन हाँ, वेलोसिटी उसका जीरो आ भी सकता है. पता है कैसे? अगर एक पार्टिकल है वो यहां से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट पे वो स्टार्ट करता है और ऐसा पूरा चक्कर पूरा किधर भी घूम फिर के वापिस उसी पॉइंट पे आ जाता है, उसी पॉइंट पे आ जाता है. तो ऐसे पे केस में हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट तो उसका जीरो हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम मतलब क्या होता है? वेलोसिटी होता है. तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही अगर जीरो हो गया तो फिर वेलोसिटी भी तो जीरो होगा ही ना. तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर पार्टिकल इफ द पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू द सेम पॉइंट वंस अगेन वेयर एवर इट स्टार्ट्स विद देन द वेलोसिटी विल बी जीरो. बट स्पीड कैन नेवर बी जीरो बिकॉज स्पीड जो है, स्पीड निकालने के लिए हमको डिस्टेंस कवर्ड निकालना पड़ेगा एंड डिस्टेंस कवर्ड का मतलब क्या है? ये पूरा पाथ लेंथ, वो तो हमको निकालना ही पड़ेगा, वो तो नॉन जीरो रहेगा. और इसलिए द स्पीड कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो बट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो. दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दिस वेलोसिटी एंड स्पीड. रिमेंबर. ओके देखो इसका डेफिनेशन जो है या इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इफ सपोज द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम सम पॉइंट एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सपोज एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और यहां से यहाँ पे ये पॉइंट सपोज ए है और ये पॉइंट सपोज बी है, तो एक डेल्टा टी इतने टाइम के अंदर अगर ये पार्टिकल यहां से यहां तक मतलब डेल्टा एस इतना डिस्टेंस अगर कवर करता है. देखो ठीक से, पार्टिकल हैज कवर्ड अ डिस्टेंस डेल्टा एस इन अ टाइम डेल्टा टी, देन वी कैन सी दैट द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन दिस इंटरवल ए बी विल बी गिवन बाय डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. दिस एक्चुअली इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. रिमेंबर, समझा ठीक से, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? The velocity of a particle will be denoted by the displacement upon time, and displacement here is denoted by delta s.
actually it should be denoted by delta s bar, and hence we can get this as v average bar. मतलब average velocity जो है वो हमको मिलता है इस तरह से delta v upon delta t, ठीक है. और अगर स्पीड चाहिए, सिर्फ स्पीड चाहिए, सिर्फ स्पीड, तो स्पीड के लिए हमको क्या करना होगा, ये बार हटा दो, तो सिंपली डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी विल बी डिवाइडेड एंड विल गेट द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल. दैट्स इट. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे बार है ऊपर, जबकि यहाँ पे किधर भी बार नहीं है. ठीक है, ठीक है, तो ये बात समझो इसमें ठीक से. ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमको पूछता हूं, देखो ठीक से. एक कार है सपोज, और ये एक रोड सरफेस है. ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रोड, एंड सपोज दैट द कार स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट हियर, ए पॉइंट से वो कार स्टार्ट करता है. ओके, एंड सपोज इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 hours. ओके, एंड रीचेस टू द पॉइंट बी हियर. यहाँ पे एक पॉइंट बी है, बी मतलब हो सकता है दूसरा कोई सिटी है, ठीक है. लेकिन अभी बी के आगे क्या है ना, समझो उसका थोड़ा पेट्रोल कम बचा हुआ है, उसकी वजह से वो थोड़ा स्पीड, गाड़ी का स्पीड जो है वो कम कर लेता है. और अभी मान लो कि वो 30 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाता है, और वो भी अगले 3 घंटे तक. देखो ठीक से, 3 घंटे तक उसने क्या किया, 30 किलोमीटर तक पर आवर इस स्पीड से गाड़ी चलाया, ठीक है. और उसके बाद फिर पहुंच जाता है सी पॉइंट पे. ये देखो, ये समझो पॉइंट सी है, और अभी सी के बाद उसको पता चलता है कि अभी बहुत कम टाइम बचा है और उसको बहुत फास्ट जाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो क्या करता है, अपना स्पीड बढ़ा लेता है, और अब यहाँ पे इस इंटरवल में 50 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से गाड़ी चलाता है, बहुत हाई स्पीड पे गाड़ी चलाता है, और वो भी 2 घंटे के लिए, 2 hours के लिए, और यहाँ पे पहुंच जाता है डी, डी पॉइंट पे. डी मतलब डेस्टिनेशन, मतलब वहां पे उसको पहुंचना था, जहां पे पहुंचना था वहां पे पहुंच गया. चलो ठीक है, ये हो गया उसका पूरा जर्नी. देखो ठीक से, आई विल रिपीट अगेन, द कार ड्राइवर ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 2 hours, देन इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 3 hours, एंड इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर विद फॉर द नेक्स्ट 2 hours. ओके, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन बी, हाउ विल यू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे. देखो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम रिक्वायर्ड, करेक्ट है, तो ये हमको करना होगा. तो टोटल एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस हमको निकालना है और टोटल टाइम निकालना है, और फिर उनका रेशियो लेना होगा. बट अभी सवाल पैदा होता है कि हाउ विल यू गेट द टोटल डिस्टेंस. देखो, उसने 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 2 घंटा गाड़ी चलाया, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया निकाल सकते हो. देखो, इट कैन बी फाउंड आउट सेपरेटली, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विल बी ऑब्टेन टू बी 40 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटा, तो 2 घंटे में कितना दूर जाएगा वो, 80 किलोमीटर तो उधर ही हो गया,
प्लस अभी 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से अगर 3 घंटा गाड़ी चलाएगा तो 90 किलोमीटर तो आगे पहुंच जाएगा कि नहीं, तो इसलिए 30 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ 3 सो दैट वी कैन गेट दिस एज 90। एंड फाइनली थर्ड जर्नी, ये जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर क्या किया उसने, 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाया 2 घंटे, तो 2 घंटे में वो कितना दूर पहुंच गया होगा, जरूर 50 प्लस 50 मतलब 100 किलोमीटर दूर तो पहुंच गया होगा। तो इसको भी हमको यहाँ पे 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा जिससे हमको 100 मिल जाएगा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया निकाल सकते हो आराम से, ये देखो ये 100 प्लस 90 प्लस 80 कितना हो गया, 180 170 हो, नहीं कितना 270 हो गया कि नहीं, बिल्कुल इट बिकम्स 270 किलोमीटर, दिस इज गोइंग टू बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ओके बट हाउ विल यू गेट द टोटल टाइम हियर, कैन यू फाइंड आउट कितना टाइम लगा उसको टोटल जर्नी के लिए? सेवन यस हॉर्स यस यस 7 आवर्स। तो 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स कैन बी एडेड टू 7 आवर्स। ओके नाउ इफ वी जस्ट पुट दिस वैल्यूज हियर इन दिस फॉर्मूला देन वी कैन गेट दिस सिंप्लीफाइड एज 270 डिवाइडेड बाय 7। अभी 270 को अगर 7 से डिवाइड करो तो 7 के टेबल में 27 तो है नहीं बट 21 तो है 3 नंबर पे, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, 6 बचेगा 60 हो गया इधर, तो 7 के टेबल में 60 भी नहीं है, 56 तो है 8 नंबर पे, तो ये आ गया 38.4 फिर भी बचा रहा है, तो 40 हो गया तो 5 इट्स ओके। सो 38.5 किलोमीटर पर आवर, सी हियर दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली द एवरेज स्पीड। ओके यस सो बेसिकली वी हैव फाउंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल इन दिस टोटल जर्नी, पूरे जर्नी के अंदर दौरान उसका एवरेज स्पीड कितना रहा ये हमने ढूंढ के निकाल लिया। चलो ठीक है, अच्छा और एक एग्जांपल करेंगे चलो ऑफ द सेम टाइप। देखो इस एग्जांपल से भी तुमको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड एक्चुअली। देखो सपोज एक पाथ है, ओके द कार स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट हियर, कार कहो या बस कहो या कोई भी पर्सन कहो यहां से स्टार्ट करता है ठीक है। और अभी देखो ठीक से सुनो ठीक से वापिस, ये पहला 60 मीटर डिस्टेंस जो है, 60 मीटर डिस्टेंस वो ऐसे स्पीड से ट्रेवल करता है 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे स्पीड से ट्रेवल करता है। देखो ठीक से आई विल रिपीट अगेन, फर्स्ट 60 मीटर्स आर ट्रेवल्ड विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ओके देन अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट 40 मीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो पहला 60 मीटर पार्ट हो गया जो 5 मीटर स्पीड से ट्रेवल किया, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रेवल किया, अगला जो पार्ट है वो उसने 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रेवल किया, और लास्ट वाला जो पार्ट था 50 मीटर का सपोज ठीक है, वो उसने ट्रेवल किया 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। अभी इस यहाँ पे वो पहुंच गया ठीक है, ये पॉइंट सपोज ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है, तो यहाँ पे वो पहुंच गया जहां पे उसको पहुंचना था। अभी मुझे बताओ इस एग्जाम्पल के अंदर फिर से हमको वही क्वेश्चन है, हाउ विल यू गेट द एवरेज स्पीड, वंस अगेन वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड हियर ऑल्सो, हाउ विल यू फाइंड आउट, सी वंस अगेन द डेफिनेशन इज द सेम। ओके क्या है डेफिनेशन हमारा, फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन अपॉन द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल राइट।
यस, तो अभी देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, कैन यू टेल मी कितना टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? देखो पहला 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद 40 किया और उसके बाद 50 किया, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 150 मीटर डिस्टेंस तो हो गया। इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या उसने? नहीं, 150 मीटर नहीं। तो ये तो पहला इक्वेशन नंबर वन हो गया हमारा, दिस फर्स्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओके नाउ टेल मी व्हाट इज द टोटल टाइम, टाइम कैसे ढूंढेंगे? अभी देखो ये जो यहाँ पे जो उसको टाइम लगता है उसको हम बोल देंगे T1, चलेगा? T1, T1 मीन्स द टाइम इन द फर्स्ट जर्नी। द सेकेंड जर्नी के अंदर जो उसको टाइम लगता है वो T2 हो गया सपोज, और थर्ड जर्नी के लिए T3 इतना टाइम उसको लगता है। ये अगर हमने मान लिया तो हाउ विल यू फाइंड आउट दिस टाइम्स T1, T2 एंड T3 हियर? सी T1 कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। देखो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है पता है तुमको? देखो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये याद है? तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो इफ यू यूज दिस फॉर्मूला हियर फॉर T1, देन T1 कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू व्हाट? 60 मीटर डिस्टेंस डिवाइड बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो उसको 12 सेकेंड लगेंगे। बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा टाइम T1, फर्स्ट इज कंप्लीट। ओके व्हाट अबाउट T2? ये सेकेंड जो इसका इंटरवल है वो करने के लिए, पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये 40 मीटर डिस्टेंस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो देखो डिस्टेंस इज 40 एंड टोटल टाइम स्पीड इज 27 सेकंड्स। यस विल बिकम 5 सेकेंड्स, राइट? एंड देन विल इन द लास्ट जर्नी, ये जो लास्ट पार्ट है बी से लेके सी तक का, तो उस पार्ट में देखो क्या हो रहा है। टाइम T3 कैन बी ऑब्टेन टू बी इक्वल टू 50 मीटर डिस्टेंस अपॉन 5 किलोमीटर, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड, विच इज हैपेंस टू बी इक्वल टू 10 सेकेंड्स, राइट? एंड देन वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट दिस टोटल टाइम टू बी सिंपली इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दीज 3 टाइम इंटरवल्स, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3। 27 सेकंड्स। यस, सो इट्स 12 प्लस 5 प्लस 10, विच हैपेंस टू बी 27 सेकेंड्स। ओके वंस यू गेट दिस वी कैन इजिली फाइंड आउट द स्पीड। नाउ एवरेज स्पीड कैन बी ऑब्टेन टू बी सिंपली इक्वल टू, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना था, ये देखो 150 मीटर था, तो इस 150 मीटर को अगर डिवाइड करते हो 27 से, तो सबसे पहले 3 से हमको रिड्यूस करना पड़ेगा इसको, तो 3 9s एंड 3 5s एंड 0 एज इट इज, सो 50 बाय 9 विच कैन बी रिड्यूस्ड इन टू फ्रैक्शन ऑल्सो। सो 9 1s 9 5s, राइट? तो 9 5s 45, 0.5 बचा वापिस, तो 50 हो गया। 9 5s 45 अगेन एंड 5 5 रिकरिंग, वी कैन राउंड इट अप टू 6 एंड दिस विल बी इन मीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली, सो दिस विल बी द फाइनल एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। समझे ठीक से? ऐसे नहीं एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 8 मीटर पर सेकेंड और ये 5 मीटर पर सेकेंड, तीनों का ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, जैसे हमारे सब्जेक्ट का एवरेज निकलते हैं एग्जाम के अंदर, वैसा नहीं करना है। तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन ही अलग है, याद रखो ठीक से। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम रिक्वायर्ड। इट इज नॉट गोइंग टू बी द एवरेज ऑफ ऑल दीज 3 वेलोसिटीज हियर। सिंपली मीन नहीं निकालने का उसका, एरिथमेटिक मीन अलग चीज होता है और एवरेज वेलोसिटी अलग चीज होता है, तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। सो टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट एंड हियर विल स्टॉप टुडे। तो आज हमने क्या देखा? देखो तो अब आज हमने देखा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है? और उसको कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले कैसे मॉडिफाई किए जा सकते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में देखा। चलो ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड के जो एवरेज वेलोसिटी के जो फॉर्मूले है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर, मतलब जैसे कि अभी चैप्टर का नाम ही हमारा है मोशन इन प्लेन, तो प्लेनर मोशन के अंदर
एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके लिए क्या टेक्निक्स या क्या क्या फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, तो वो हमको देखने हैं। बेसिक कंसेप्ट वही है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन थिंग्स, बेस्ड ऑन द गिवन मटेरियल, वी विल हैव टू चेंज आवर टेक्निक्स। ठीक है, तो वो हमको वही कंसेप्ट यूज करना है, बट थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है उसको, बस बाकी कुछ नहीं, तो वो हम देखेंगे कल। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।